वेलकम है गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेक पोक पे। आज हम लेके हैं आपके सामने बहुत ही तगड़ा कंपैरिजन। यहाँ पे एच के 9 प्रो है और एच के 8 प्रो मैक्स है। बेसिकली हमारे पास दोनों ही वॉचेस और दोनों ही एप्पल सीरीज 8 अल्ट्रा या सीरीज 8 की कॉपी आप कह सकते हो लगती हैं, और हूबहू एमोलेड डिस्प्ले के साथ आती है। तो ये कमाल का है गाइस। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, वॉलपेपर भी एक्जैक्टली सिमिलर ही मिलते हैं आपको। यहाँ पे मैं होल्ड करके यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ। ये वाला वॉलपेपर है कि नहीं इसमें? हाँ, ये रहा, तो सेम ही आपको देखने को मिलता है। और गाइज यहाँ पे डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, देख सकते हो एच टू एच गई हुई है। यहाँ पे भी डिस्प्ले एच टू एच गई हुई है, बट थोड़े से ब्लैक बॉर्डर मिलता है, बट यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर बहुत ही मिनिमल कर दिए गए हैं एच के 9 प्रो में। एच के 9 प्रो आपको मिल रही है 3699 रुपये के प्राइस ब्रैकेट मिल रही है, और ये आपको ऑन ऑफर 3699 में है। बट आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वेबसाइट से बाय करते हो, टेकपोक 5 कूपन कोड यूज़ करते हो, तो आपको फ्लैट 150 से 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एच के 8 प्रो मैक्स आपको मिल रही है बेसिकली एमोलेड डिस्प्ले के साथ, बेसिकली ये वाली, ये मिल रही है 3499 रुपये के प्राइस बैग में। ये मिल रही थी पहले 3699 में, अब इसका प्राइस जो है वो डाउन हो चुका है, तो आप ग्रैब कर सकते हो, काफ़ी अच्छी डील है। एप्पल वो सीरीज 8 अल्ट्रा की कॉपी लगती है, और डेडिकेटेड यहाँ पे बटन है, मतलब ये डेडिकेटेड आपको जो नट्स हैं प्रॉपरली मिलते हैं गाइस। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एल्युमिनियम केसिंग मिलती है, इसमें भी एल्युमिनियम केसिंग है, ज़्यादा मतलब रगड़ बिल्ड क्वालिटी इसकी मिलती है एच के 8 प्रो मैक्स की, ठीक है। और गाइस इस तरीके के कंपैरिजन को आप एंजॉय करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में हमारे टेकपोक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं, वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है, ठीक है। तो गाइस चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट ग्लैंस में दोनों ही कमाल की लग रही हैं, जैसा कि आपको पता है 42mm स्ट्रैप साइज, आफ्टर मार्केट का आप इसमें लगा सकते हो। वैसे पीछे सेंसर तो मैं यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकता कैसे क्या मिलता है, बट अगेन गाइस एक्यूरेसी आपको एवरेज ही मिलेगी, बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप सभी से, तो यहाँ पे 42mm स्ट्रैप साइज है। साइड बाय साइड अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो स्लिमनेस देख सकते हो, ऑब्वियसली बात है सीरीज 8 अल्ट्रा की कॉपी इस तरीके से मिलेगी, और यहाँ पे सीरीज 8 की कॉपी इस तरीके से मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्शन बटन नहीं मिलती, बट यहाँ पे आपको एक्शन बटन मिल जाती है। इस एक्शन बटन से आप यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड पे जा सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे ये स्पोर्ट्स मोड चला जाता है, और यहाँ पे आपको ऊपर की साइड से मेन्यू खुल जाता है, इस बटन से भी आपका मेन्यू खुल जाता है इधर की साइड से अगर टैप करते हो, ठीक है। और गाइज यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिम कर देता हूँ, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है गाइज, इसीलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे बैटरी भी थोड़ी सी लो है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपको लाउडनेस सुना देता हूँ, ताकि मतलब अभी 10% बैटरी थी, मैंने एक्चुअली 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं इस वॉच को खासकर, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी कम चल रही है। यहाँ पे दिखा देता हूँ, 2 दिन चल जाती है मतलब। वैसे यहाँ पे हम डायल करते हैं नंबर को, यहाँ पे मैं लाउडनेस सुना देता हूँ जल्दी से जल्दी आपको, कहीं डिस्कनेक्ट ना हो जाए क्योंकि बैटरी लो है ना। तो गाइस लाउडनेस आप सुन लो, इसकी भी सुना देता हूँ साथ में, लाउडनेस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, बट वॉल्यूम अप डाउन इससे नहीं कर सकते स्क्रॉल लेवल बटन से, जो आपको एप्पल में मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इसमें, 1 सेकेंड, कनेक्टेड है आईफोन के साथ, कनेक्टेड है, एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, तो मेरे ख्याल से कॉल तो लगेगी, लग रही है, कॉल लग गई है। लाउडनेस इसमें भी अच्छी मिलती है, तो लाउडनेस दोनों में कमाल की मिलती है, एज सच कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है थोड़ी सी, एंड्रॉइड के साथ अच्छा काम कर रही है। वैसे आयुष डिवाइस के साथ थोड़ा सा देख सकते हो वो मेन्यू गायब हो चुका है इसमें, ठीक है। आयुष डिवाइस का एक बार एप्लीकेशन से पेयर करना पड़ेगा, मैंने एप्लीकेशन हटा रखी है इसलिए शायद हो रहा है सर। सो गाइस इस तरीके से मिल जाता है। और गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सारी की सारी चीज़ों की, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको मेन्यू दिखाता हूँ, एकदम लैग नहीं करता मतलब बिल्कुल भी, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले दोनों में ही, एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑल टाइम तक ऑन नहीं रहती, ध्यान रखना है। स्प्लिट स्क्रीन इस तरीके से मिल जाती है, जो ट्रांसपेरेंट मिलता है काफ़ी अच्छा लगता है। नीचे की साइड से आपको ये मिल जाता है रेस्ट वेक, यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो, और यहाँ पे डिस्प्ले वेक का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे ऑल टाइम के लिए नहीं मिलता, ये आपका मैक्सिमम 5 मिनट तक ऑन रहेगा, बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑल टाइम तक नहीं ऑन रहता है इसमें, ठीक है। और टॉर्च लाइट इस तरीके से मिल जाती है, और ब्राइटनेस लेवल्स आप देख सकते हो एमोलेड डिस्प्ले है, काफ़ी बेटर यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स मिलते हैं, और एक्चुअल में एमोलेड है। बहुत सारे लोग पूछेंगे मेरे से एमोलेड है कि नहीं, मतलब आप ब्लैक बैकग्राउंड में चेक करो, तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पे एमोलेड ही है। और इधर की साइड से राइट साइड से शॉर्टकट मिल जाते हैं दोनों ही वॉचेस में सिमिलर ही इस तरीके से। नीचे की साइड से आपको स्प्लिट स्क्रीन मतलब मेन्यू खुल जाता है, और ऊपर की साइड से मैसेज नोटिफिकेशन ओपन हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डबल टैप करके मेन्यू चेंज नहीं होता, ओके हो जाता है इसमें, आपका शायद नहीं होता है इसमें भी होता है। तो गाइस मेरे ख्याल से एच के 11 प्लस वाली में नहीं होता है, बट इसमें हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इधर की साइड से आपका हार्ट रेट मिल जाता है, हार्ट रेट को ऑटो एयर चेक कर लेते हैं एक बार। वैसे एयर में तो काम नहीं करेगा ऑब्वियसली बात है, बट यहाँ पे गाइस एक्यूरेसी पे मैं क्लेम नहीं कर सकता बिल्कुल भी, ठीक है। तो एक्यूरेसी यहाँ पे डाउन ही रहती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेटर नहीं मिलेगी आपको स्ट्रेट अवे में, कह सकता हूँ, ठीक है। और गाइस अगर आप दोनों में से कोई सी वॉच बाई करते हो, तो आपको सेलर के एंड से कुछ ना कुछ वारंटी मिल जाती है, मतलब क्रैक व्रैक नहीं होनी चाहिए वॉच। आपके पास पहुंचे आप तुरंत ही वीडियो बना लो, और तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर आप रिप्लेसमेंट प्लेस कर सकते हो, रिप्लेसमेंट हो जाएगी वॉच आपकी, ठीक है। 15 डेज़ की सेलर की आपकी वारंटी मिल जाएगी सेलर की तरफ से, ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। और सेलर ट्रस्टेड है 100%, आप जाके वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसी के साथ साथ
पे ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है, स्टेप्स स्पोर्ट्स मोड में जाते हैं यहाँ पे। स्पोर्ट्स मोड में यहाँ पे एक बार काउंट करते हैं, यहाँ पे वॉकिंग वाला चेक करते हैं, वॉकिंग वाला है कि नहीं इसमें, ये रहा वॉकिंग। तो 50 स्टेप चल के देखते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी किसमें बेटर मिलती है। सो गाइस 50 स्टेप्स मैंने चल लिए यहाँ पे और 56 दिखा रहा है इसमें, तो इसमें 33 दिखा रहा है। तो थोड़ी सी HK9 Pro डेफिनेटली बेटर है एज कम्पेयर टू दिस वन। स्टॉप कैसे करेंगे, ठीक है यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं और गाइस टैप करते हैं। आगे बात करें यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड के बाद आपको स्लीप मॉनिटर मिल जाता है, प्रेशर मॉनिटर मिल जाता है, एक्टिविटी रिकॉर्ड मिल जाता है, फोन कॉल मैं चेक करा चुका हूँ, वॉइस असिस्टेंट भी प्रॉपरली काम करता है यहाँ पे। मैं चेक कराऊँ कि आपको व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद, तो इसमें तो व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद, आई डोंट नो। यहाँ पे एक काम करते हैं, दोबारा से चेक कर लेते हैं, व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद। हाँ बता रहा है गाइज, वॉल्यूम कम है एक्चुअली, फोन से आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ऐसा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, इसमें भी आपका आईओ डिवाइस के साथ काम कर रहा है बेसिकली। स्पोर्ट्स मोड के बाद स्लीप मॉनिटर, एक्टिविटी ट्रैकिंग और फोन कॉल का ऑप्शन, वॉइस असिस्टेंट में चेक कर लिया, म्यूजिक प्ले का ऑप्शन होता है बट यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। और एक फ्लॉ है जैसे कि बैक करते हैं तो स्टार्टिंग से मेन्यू स्टार्ट हो जाता है, तो ये थोड़ा सा फ्लॉ है दोनों ही वॉचेस में। वेदर अपडेट्स मिल जाता है, अलार्म आप दोनों ही वॉचेस में इन द वॉच इटसेल्फ आप लगा सकते हो, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो ये ऑप्शन दोनों मिल जाता है और ये काफ़ी अच्छा है कि मतलब स्मूथ बहुत मिलती है वॉच की, मतलब एकदम मक्खन चल रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको आगे बात करें, स्टॉप वॉच है, अलार्म के बाद ब्रीथ रिलैक्स मोड मिल जाता है यहाँ पे, कहाँ गया हीरा, टाइमर मिल जाता है, स्टॉप वॉच मिल जाता है, कैलकुलेटर मिल जाता है, मेट डाटा और यहाँ पे कंपास का ऑप्शन है, कैमरा कंट्रोल मिल जाता है, फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिलता है, मैसेजेस है और ये सब चीज़ें मिल जाती हैं बेसिकली। लास्ट में गेम्स मिल जाते हैं और ब्लड प्रेशर मॉनिटर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, तुमने सारी सारी चीज़ चेक कर ली, अब हाथ पे पहन लेते हैं और उससे पहले हम वेट कर लेते हैं दोनों ही वॉचेस का, किस तरीके से किस में ज़्यादा हैवी है, कौन सी कम हैवी है। सो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इस वॉच का, और HK8 Pro Max आपकी 70 ग्राम्स की बेसिकली, ठीक है, और HK9 Pro देखते हैं 47 ग्राम्स की, तो डेफिनेटली हैवी है आपकी HK9 Pro। इस हाथ पे तो दोनों ही वॉचेस कमाल की लग रही, देख सकते हो यहाँ पे, और मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है, इस तरीके से मिल जाती है, AMOLED डिस्प्ले के साथ आती है वॉचेस। और उसी के साथ साथ हम हार्ट रेट भी चेक कर लेते हैं, वैसे मैं ऑक्सीमीटर के साथ इस बार वो नहीं करूँगा, टेस्ट नहीं करूँगा, ऑब्वियसली बात है क्योंकि एक्यूरेसी हम यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं फिलहाल। तो गाइस देखो सिंपल सी बात है, 3699 मतलब 3700 और ये 3499 मतलब 3500 में सीरीज हीट अल्ट्रा की कॉपी चाहिए तो आप चूज़ कर सकते हो। AMOLED डिस्प्ले के साथ स्मूथनेस काफ़ी बेटर मिलती है और ये आपकी 3700 मिल जाती है। सीरीज 8 की अगर आपको कॉपी चाहिए अच्छी खासी डिस्प्ले के साथ तो आप इसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पे, 24 आवर्स का वो मिलता है आपको, 12 आवर्स पे आप सेट नहीं कर सकते टाइम को, ये फिक्स रहता है और इसमें आपको उस तरीके से मिल जाता है। दूसरा AMOLED डिस्प्ले मिलती है, स्मूथनेस बहुत बेटर मिलती है दोनों में, गेम्स कैलकुलेटर का ऑप्शन है, लाउडनेस अच्छी मिलती है यहाँ पे, डबल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है इसमें आपको दोनों में ही देखने के लिए, और एज शटर स्पीकर भी यूज़ कर सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो इन द वॉच इटसेल्फ, ठीक है। और गाइस यहाँ पे बैटरी बैकअप अगर मैं रफली बात करूँ आपसे, से अगर हैवी यूज़ करोगे तो 1.5 दिन तक चल जाएगी आराम से वॉच, ठीक है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑल टाइम तक नहीं रहती, मैं आपको क्लियरली बता दूँ, 30 सेकंड तक का, 60 सेकंड तक का मैक्सिमम रहता है, तो ये अच्छी बात है। और बैटरी इसमें ज़्यादा नहीं खपत होती इस वजह से, अपनी पिक एज अ वॉच फेसल आप लगा के इसको ऑलवेज ऑन पे रख सकते हो, बट वो भी आपका मिनिमम 4-5 मिनट तक रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हार्ट रेट मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है। तो गाइस दोनों को ही अगर आपको बाय करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके टेकबुक 5 कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको फ्लैट 150-200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, आप जाके ग्रैब कर सकते हो। दोनों ही काफ़ी अच्छी लग रही है हाथों पे, और गाइस दोनों ही लास्ट मीडियम डिस्प्ले परफेक्ट है और ये आपकी थिन रिस्ट पे चल सकती है वैसे, बट थिन रिस्ट पे कंफर्म नहीं कर सकता मैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेरे मीडियम रिस्ट है, मेरे मीडियम रिस्ट पे अच्छी लग रही है, बट थिन रिस्ट पे अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी वो यहाँ से मैं कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि ये डिस्प्ले बड़ी है, मतलब 2 इंचेस तक से ऊपर की मिलती है थोड़ी सी, और ये भी आपको 2.02 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, डिस्प्ले बड़ी है इसी वजह से यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं कर सकता थिन रिस्ट पे। स्किन रिस्ट वाले तो बिल्कुल भी ना लें दोनों वॉचेस के लिए, ना ही जाएँ, ठीक है। तो गाइज ये था एक डीप डाउन दोनों का ही कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी HK8 Pro Max HK9 Pro का रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज, बेल आइकन कॉल कर दो, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।